हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी ब्लॉग विलेज में। तो आज के इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 21 है और ये 51 है, इसके लास्ट में एकक है। तो जिसके लास्ट में एकक रहता है तो उसका नियम क्या है, हम एक सेकेंड में निकाल देंगे बिना मल्टीप्लिकेशन किए हुए, मात्र एक सेकेंड में देखेंगे क्वेश्चन और जवाब आ जाएगा आंसर। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक गुना एक क्या होता है, तो एक का एक मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। फिर क्या करेंगे, दो को पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर क्या कर देंगे, इन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये देखिए आंसर निकल के आ गया, बिना गुना किए ही निकल के आ गया। उसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा। फिर तीन को चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। और फिर इन दोनों संख्या को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये देखिए 1271 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक फॉर वॉचिंग।